दूसरी गए थे भेदों की झोपड़ी को, अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैं उनका रास्ता बैठ के चौपाल में देखता हूँ। बेटा कुमार सिंह, पहले तुमसे कहा था कि अगर भिकवाड़ अपने लौंडे का पता बता देगा तो अच्छी बात, अगर पता नहीं बताएगा तो भिकवा पे मौत मारा जाएगा। भिकवा ने काफी समझाने के बाद भिकवा ने अपने लौंडे का पता नहीं बताया और मैंने भिकवा को दुनिया से पिताश्री बहुत अच्छा काम किए हो पिताश्री, और बहुत नेक तुम काम पिताजी किए हो। भिखुआ साले ने तो उसका पता नहीं बताया रजुआ का, अब उसका पता बताएगी, अब रजुआ का पता बताएगी भिखुआ की लाश। पिताश्री हम अपनी आदमी ले जाके, अपने आदमी ले जाके शमशान घाट पे लगा देंगे, और जिस नमो साला राजू अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए आएगा उसी समय साले रजुआ को भी खत्म कर देगा। सच कहते हो आज तक ठाकुरों की आन पान सात अलग होती है, आप तिरकाल से एक नई चाल चलेगा, क्योंकि माधवपुर के लोग समझेंगे कि ठाकुर तिरकाल सिंह और उसका बेटा कुमार सिंह तीर्थ यात्रा गए हैं। आज तीर्थ यात्रा का सिर्फ बहाना होगा, शमशान घाट के रक्षक बनोगे, वहां पर राजू जब अपने पिता का अंतिम संस्कार करने आएगा तुम उसे वहां बिठा दोगे, और हवेली के अगर चारों तरफ नजर आया तो रजुआ को दुनिया से हम मिटा देंगे। इसलिए काम करो, आज हम और तुम बहाने के लिए सिर्फ एक चाल चलते हैं, और आज हम तुम चलते हैं कहीं तीर्थ यात्रा। पिताश्री कहाँ चला जाएगा, कहाँ को चलने की बात हो रही है? पिताश्री हमारा मन कहता है काशी या मथुरा चला जाए। काशी या मथुरा चलना चाहते हो? जी पिताश्री। नहीं तो काशी जाएंगे, नहीं तो मथुरा जाएंगे, कहाँ चलेंगे? सुनो, अरे ना काशी चला जाए, ना हरिद्वार चला जाए, मन कहता ना उस धाम चला जाए, ना काशी चला जाए, ना हरिद्वार चला जाए, मेरा मन कहता है ना उस धाम। तो आँख खोली और पहचान गई और वापस
काले छर्रे भर दो, काले मातर चोर निकालने पे मजबूर हो जाएगा। कहां जाओगे पर खुरदार भाग करके, इससे ज्यादा नहीं दूर भाग पाओगे। बात बताए दे तो चलो साले अपने कपड़े उतार, कपड़े उतार। यह दो तकक लौंडे मारे हने फेंके दे। अरे भोसड़े, तुम हमारे हवेली में लहके परसों हमार नमक खायो, और जो नमक खायो वह मौत मारे तोरी भूख चाहता। पचास घंटा शादे मानी के तुम्हारे, और लगता है तुझको सताना। एक बात बताई दे, अब तुम हो परे हमारे बाप, हो परे हमारे बाप ने भोसड़े तुमने गिरा के बीच जूता मारे। अरे माता चोद परे भोसड़े का चाचा, जब आते परे जमींदार रहा तो चार छात में मोहरे के लगा दिन होते हो, या इस बात चल पांच चल में घुस गए हमारे बुआ। ये परवा तोरी मैया चोद भोसड़े चाहे का क्या परवा औलाद होई बहुत ही माता चोद, अब परवा तोरी मैया चोद। उतार साले कपड़े साल राम जादा, तुम्हारे पास का धड़ा भर चुका है। पता तुम लोगों ने माधवपुर गांव में ईशानों को चैन से जीने नहीं दिया, आज और तेरी नन्ही नन्ही बोती कौत करके कुत्तों को न खिलाया तो मेरा भी नाम। देख आज तेरे सामने है, बिटिया तुम कब से होएगा
रख दिया। तारे नहीं बचाई हो नया कई जब हनुमान बनाए और साले और सताया तूने मुझे और सताया तूने मुझे और मैं तुझे चाहता हो क्या भैया राजे तो माफ कर दो खताया जे भैया मेरी अगर मरी हाथ में लौड़ी तो मार दे अच्छे को नहीं तो साले थे और साले तो माफ कर दो खताया जे राजू मेरी क्या कहना चाहता है। आई
राजू देखो सब कुप्पल फूल गए, अगर अब के जूता लाग गवा अखोरा लाग गए तो जाओ समझ लो हम भोसड़ के पूरा भाई भैया राजू हम तुम्हारे गुनेगार हन कोई बात ना, तुम हमका मारते तन कौन आई खल थे, तुम हमका मारते हो तन कौन आई खल, लेकिन अहिते बुवा के छोड़ दो अहिता का बिगर आ रही मारिया बोल बोल क्या कहना चाहता है पढ़ाई नहीं जा पाई हाँ गले में बैठा बस तुम्हारे भैया भैया एक चीज बताई बहुत मारे अब मारो इतने बर्दाश्त नहीं है आप बिल्कुल मारो मुरो ना मरी हो तो बात बिगड़ जाई राय हाय बोल बोल तेरी आ रही इच्छा क्या मैं निहाल टाइम मरी हूँ और जाने दे है तुम सारे कमरा छिमरा मार जरूर तेरी ऐसे यहाँ तो बुआ बहन चौधर चालू कर दे साउ साउ चला ना भूल जाए हो मुस्कात हो भैया अब हम तुम्हारे हाथ जोड़े राकेश बोलिए सर तुम और आज इस डाकू के भेष में आज मेरे जो दिल में भावना थी आज मैंने दरिंदों से बदला ले लिया लेकिन राजू मैं सारी कहानी जान चुका हूं और सारी सच्चाई मुझे मालूम है इसलिए कानून बागियों को कभी माफ नहीं करता लेकिन हम वादा करते हैं तुम दोनों ने नेक और अच्छा काम किया इसलिए कानून से गुजारिश करके कम से कम सजा दिलाकर तुम्हें हम बरी करा लाएंगे सच कहते अरेस्ट करो राजू सुबह का वक्त हो गया है ईश्वर का गुणगान करते हुए आगे बढ़ो सर बोलो आज आज हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं ये काले धंधे छोड़ करके और अपनी नई जिंदगी बसाऊंगा अवश्य और सर सुबह का टाइम है और प्रभु जी का गुणगान कर लिया जाए और ज्योति से ज्योति जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो हाँ भाई हमारे बिलहरी के कोटेदार की तरफ से 1,011 रुपए हमारी मेला कमेटी में सहयोग आए हैं पार्टी उनका स्वागत करती है हमारे रिक्त बैनर पे हमारे नंबर दिए गए हैं और हमारी इस पार्टी का परिचय न्यू जनता ब्रिगेड संगीत पार्टी
ग्राम संजराबाद पोस्टवा तहसील मिश्री डिस्ट्रिक्ट सीतापुर और हमारे इस कंपनी के मालिकान श्री राम विलास प्रधान ग्राम संजराबाद पोस्टवा तहसील मिश्री डिस्ट्रिक्ट सीतापुर और हमारे इस कंपनी के मैनेजर अतीक भाई ग्राम सरौनी पोस्ट कुतुब नगर थाना पिशावर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर और हमारे इस कंपनी के डायरेक्टर आप लोग के समक्ष रोहित कुमार कनौजिया ग्राम बिलहरी पोस्ट ततरोई थाना नेमसा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। जिन भाइयों को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो हमारे रिंग बैनर पे हमारे नंबर दिए गए हैं, नंबर को नोट करके एक बार सेवा का मौका दे महान कृपा होगी। इसी शुभकामना के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। सो हैप्पी हैवर्स एंड गुड डे।